एक वहाँ पे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, तो अभी मैं बाहर नेट वगैरह तो यूज नहीं कर सकता। और काई इतनी ज्यादा हो रही है ना यहाँ पे इन्होंने बंदी कर रखा है। वहां से उधर गया और वहां से घूम के इधर आ गया। अभी तक तो काफी सारों को यही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, सिर्फ मेरी फैमिली और रिलेटिव को छोड़ के। ये जो जगह है यहाँ से पहाड़ी स्टार्ट हो जाती है और साइड बाय साइड ग्रीनरी भी है बीच में और एक कोने कोने पे लगे हुए। आया वो देखो, क्राइम रेट वगैरह बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही कम। मैंने इस एक महीने के अंदर में ना इतना तो देख लिया है मैंने। पहाड़ी पे रास्ते जो बना रखे ना, इसका मेन रीजन चीड़ के पेड़ है ना। चीड़ के पेड़ जहाँ पे होता है वहाँ पे तो ठंडा होता ही है, तो यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। तो मोस्ट लोगों को यहाँ पे इंग्लिश तो आती नहीं है। साउथ कोरिया, एक और चीज देखो यार, यहाँ पे ना बता रहा हूँ मैं, इंडिया की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ पे मोस्टली लोग, ये बड़ी बहुत बड़ी मुश्किल हो गया मेरे लिए। मैंने बहुत टाइम से YouTube वीडियोस नहीं बनाई है, तो सोचा क्यों ना आज दोबारा से स्टार्ट किया जाए YouTube वीडियोस बनाना। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से पहले तैयार हो जाता हूँ और उसके बाद बाहर चलता हूँ। बाहर जाके आपको बाहर के नज़ारे भी दिखाएंगे और साथ में थोड़ी बहुत घुमाते भी हैं और साथ ही साथ में अपनी जर्नी बताते हैं कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ और यहाँ तक कैसे पहुँचा भी। बहुतों को तो पता भी नहीं है, वो सब रहने दो। अभी मैं पहले तैयार हो जाता हूँ यार, जल्दी से फिर बाहर चलते हैं। ओके शो। चलो भाई, आपका भाई रेडी भी हो चुका है, कैसा लग रहा है बताओ। तो अभी मैं बाहर नेट वगैरह तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पे सिम ही नहीं है यहाँ का। और आप पूछ रहे होंगे कि मैं हूँ किधर, तो बताते हैं। मैं अभी एक प्यारी सी लोकेशन में जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को आए हुए एक महीना हो चुका है और एक महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिस जगह पर मैं जाना चाह रहा हूँ ना, वो जगह मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। अब इधर की साइड है या उधर की साइड है समझ नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, फिर भी मैं ढूंढ ही लूंगा वो जगह। मे बी ये रोड ऊपर जा रही है ना, ये हो सकती है वो जगह। ये पार्क है यहाँ पे छोटा सा, ये अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए यहाँ पे सारे, तो यहीं से होते हुए मैं ऊपर जाऊंगा पहाड़ी पे। और काई इतनी ज्यादा हो रही है ना यहाँ पे, जूते फिसल रहे। ग्रीनरी देखो यार यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इन्होंने बंदी कर रखा है। वहां से उधर गया और वहां से घूम के इधर आ गया वापिस। इससे बढ़िया मैं यहीं से आ जाऊँ शॉर्टकट। पता नहीं चल रहा यार किधर जाऊँ मैं, फिर वहीं पे घूम फिर के यहीं पे आ गया। एक और रास्ता भी है पर वो यहाँ से थोड़ी सी दूर जाके है, और करीबन मेरे को यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, फिर तब जाके वो दूसरी साइड से है रास्ता। तो क्या करें, चले चलते हैं यार, जब आया हूँ तुम घूमने के लिए तो चलते हैं, क्या हुआ है ना। अगर कोई मिलेगा तो मैं पूछ भी लूँगा एक बार यार, यहाँ से जाने का रास्ता था क्या करें। अभी मैं यहीं से आया था, यहाँ नीचे से आया था, फिर इधर इधर गया था उधर आगे, ठीक है। अभी मैं फिर यहीं पे पहुँच गया हूँ और यहीं से आगे जा रहा हूँ। मैं फाइनली उस एंट्रेंस गेट पे पहुँच चुका हूँ जहाँ से मेरे को पहाड़ी पे जाना है बहुत मशक्क़त करने के बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घूम चुका हूँ उस टाइम से, मतलब आधे घंटे से ऊपर हो गया होगा, मेरे को रास्ता ही नहीं पता चल रहा था, ठीक है। तो ब्लॉग को भी करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राइटर विकास भंडारी और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। काफ़ी टाइम बाद आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ब्लॉग बनाते हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी पसंद आएगा मेरा ब्लॉग और आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे मेरे को देख के इतने लंबे समय बाद वीडियो में। तो चलो, अभी तक तो काफ़ी सारों को यही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, सिर्फ मेरी फैमिली और रिलेटिव्स को छोड़ के। का भाई है एक प्यारी सी कंट्री में जिसका नाम है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया के मैं किस सिटी में हूँ, तो सिटी का नाम है सोल, जो साउथ कोरिया की कैपिटल भी है। काफ़ी मस्त सिटी है यार। और आज मैं जा रहा हूँ पहाड़ी पे जहाँ से आपको मैं सोल का नज़ारा दिखा सकता हूँ। पहाड़ी है इधर की साइड, ऊपर की साइड, तो वहाँ जाने से पहले आपको एक ज़रा सा छोटा सा नज़ारा दिखा लेता हूँ। ये देखो, ये जो जगह है यहाँ से पहाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मैं यहाँ से ऊपर आया और अभी ऊपर जाना है मेरे को, काफ़ी ऊपर है यहाँ से, लगभग 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर के समथिंग तो होगा ही होगा यार, है ना। तो यहाँ से होते हुए जाऊँगा। बाकी आप कुछ और नोट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो CCTV कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पे, और साइड बाय साइड ग्रीनरी भी है, बीच में इन्होंने रास्ता बना रखा है जाने के लिए पहाड़ी पे। और अभी मेरे को जाना है इधर से आगे, देन वहाँ से घूम के फिर देखो ये ऐसा आ रहा है, और यहाँ से फिर ऊपर जाना है, देन फिर राउंड, तब मैं पहाड़ी पे पहुंच जाऊंगा। देखो फिर भी मैं ना एक बात बोलना चाहूंगा कि बाहर चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी डेवलप हो, बट फिर भी अपना उत्तराखंड यार जन्नत है, मानते हो आप।
अपने उत्तराखंड की बात ना मतलब अलग ही है यार, मैं उसको कंपेयर ही नहीं कर सकता किसी। थोड़ी सी आप वॉक करके आओ यहाँ पे, यहाँ पे लेटने के लिए भी बना रखा है, आप आनंद ले सकते हो यहाँ पे नेचर का। वहाँ पे बैठने के लिए बना रखा, वहाँ पे भी लेटने के लिए बना रखा, यार काफ़ी सुंदर है ना। और यहाँ पे CCTV कैमरा हर एक कोने कोने पे लगे हुए हैं। अभी मैंने आपको नीचे दिखाया, वो देखो वो लगा हुआ ये, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी CCTV कैमरा लगा हुआ। यहाँ पे हर एक एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है, आप यहाँ पे चोरी नहीं कर सकते हो। जैसा यहाँ पे ये चीज़ छोड़ रखी है, आप इसको बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हो। उठा भी दिया तो कुछ नहीं होता, बट हाँ क्राइम रेट वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही कम, मैं क्या बताऊँ आप, पर अच्छी बात है ये। और मुझे लगता है कि ये चीज़ इंडिया में भी होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है मेरे को लगता है। मैंने इस एक महीने के अंदर में ना इतना तो देख लिया है मैंने कि यहाँ के लोग फिट क्यों हैं। उसका एक रीज़न है, यहाँ पे एक तो ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना यहाँ पे साइकिलिंग करते हैं और वॉक तो बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, वो चाहे कितने से बूढ़ा भी बूढ़ा हो। ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है, मैं इस पहाड़ी में जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा हूँ और प्यारा होता जा रहा है, सच बताऊँ तो अपने उत्तराखंड की याद आ रही है यहाँ को देख के। बाकी पहाड़ी पे रास्ते जो बना रखे ना, इसका मेन रीज़न है लोग इधर आए चले और अपने आप को फिट रखें, समझ रहे हो, कोरिया के लोग अपने आप को फिट रखते हैं यहाँ पे, तो यही मेन रीज़न है इसको बनाने का। और यहाँ पे ऐसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार जिससे लोग अपने आप को और ज़्यादा फिट रखें, ऐसा मेंशन भी कर रखा है। अभी शायद 400 मीटर लिखा हुआ, 400 मीटर और 20 कैलरी, मतलब 400 मीटर चलेंगे तो 20 कैलरी हमारी यूज़ हो जाएगी, तो 400 मीटर अभी और है मतलब चलने के लिए, और फिर उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे। मैं लिटरली बता रहा हूं यहां पे मैं अब पहुंचने वाला हूं, बट उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं यहां पे मोस्टली लोग ना आपको बूढ़े लोग मिलेंगे, ओल्डर लोग दिखेंगे यहां पे ज़्यादा, यहां तक वो वॉक करके आते हैं फिर यहां से वॉक करके नीचे आते हैं। ऑब्जर्वेटरी 26 मीटर, बस 26 मीटर मतलब ये चला और आ गया फाइनली उस पॉइंट में पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मैं पहुँचना चाह रहा था। यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे पहुँचने के बाद ना एक सुकून सा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, एक तो ठंडी हवा चल रही है, धूप भी जा चुकी है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि चीड़ के पेड़ है ना, चीड़ के पेड़ जहाँ पे होता है वहाँ पे तो ठंडा होता ही है। तो और यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ पे आ गए वो है सामने, वहाँ पे भी जाता हूँ बताता हूँ आपको क्यों वो अट्रैक्शन पॉइंट है। बाकी इधर की साइड लोग बैठे हुए ऊपर की साइड, वहाँ पे सिटिंग एरिया बना रखा है मतलब बैठने के लिए, और इधर की साइड भी बना रखा है, तो ये बना ही रखा है, उधर की साइड जिम है। अभी मैं जाने का मन नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे क्योंकि थकान लग गई बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी रेस्ट करता हूँ फिर चलते हैं, फिर बताता हूँ यहाँ के बारे में। तो मोस्टली लोगों को यहाँ पे इंग्लिश तो आती नहीं है, सिर्फ कोरियन आती है, यहाँ के मोस्टली लोग कोरियन ही बोलते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो इंग्लिश वगैरह बोलते होंगे यहाँ पे। यू स्पीक ओनली कोरियन राइट? कोरियन, ओके। यहाँ पे इन्होंने ये मैप बना रखा है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कितने सारे रास्ते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से तुम आ सकते हो, कितने मीटर का है वगैरह वगैरह, सब चीज़ें मेंशन करी हुई है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। बाकी सीटिंग एरिया बना रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं, ये काफ़ी जितना ये पैच है पूरा यहाँ तक आने का मुझे लगता है 1 किलोमीटर से तो ऊपर का ही होगा ये, ठीक है। तो हर एक दो पॉइंट पे उन्होंने ऐसे बैठने के लिए बना रखा है। ये है साउथ कोरिया का फ्लैग, और यहाँ पे कुछ साइन बना रखे हैं, यहाँ पे तुम मतलब हॉर्न वगैरह नहीं बजा सकते हो और ज़्यादा तेज लाउडली नहीं बोल सकते हो। एक और चीज़ देखो यार, यहाँ पे ना घड़ी भी लगा रखी है, बता रहा हूँ मैं इंडिया की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ें अगर इंडिया में होती ना, और ये चीज़ें ऐसे इंडिया में होती तो ये अभी तक ना चोरी हो गया होता, ठीक है, ये अभी तक चोरी हो गया होता, क्लेंडर फट गया होता, ये सब 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 चीज़ें गायब हो चुकी होती यार अभी तक। ये देखो हैंगर लटके हुए वहाँ पे, वो भी चोरी हो गया होता। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडिया में होता है यार अक्सर, इंडिया में अगर यहाँ पे भी ना, जैसे आगे में वो बना रखा है जिम बना रखा है, तो इंडिया में अगर बना हो ना तो वहाँ पे तो चीज़ें तोड़ फोड़ कर ही देते हैं, यहाँ पे ना मेंटेन रखते हैं, हर एक चीज़ को मेंटेन रखते हैं, पब्लिक को पता है कि
भाई ये हमारे लिए बनाया गया है, तो हम इन चीज़ों को मेंटेन रखें और इनसे हमारा ही फ़ायदा होगा, समझे। पर इंडिया में नहीं समझते लोग, इंडिया में तो लोगों को जब तक तोड़ फोड़ ना हो तब तक लगे रहते हैं वो, जब तक टूटे ना हो। अच्छी बात मिल रही है, मैं यहाँ पे आके काफ़ी कुछ सीखा हूँ और सीख रहा हूँ और सीखूँगा आगे भी। आप सबको ना एक सजेशन देना चाहता हूँ, लाइफ में ना घूमना ज़रूर चाहिए। जब मैं चारधाम टूर भी कर रहा था, उत्तराखंड टूर भी कर रहा था, मैंने तभी भी बोला था घूमना इज़ मस्ट। घूमोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी और दुनिया देखोगे तुम। तो घूमना बहुत ज़रूरी है, घूमो ज़रूर, क्योंकि यार यहाँ पे मोस्टली लोग बूढ़े लोग ही देखे हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, दोनों आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी फ़िटनेस बनी रहे, वो फिटनेस के लिए नहीं, मेन रीज़न है उनकी हेल्थ अच्छी रहे। चलने से, वॉक करने से, रनिंग करने से हेल्थ अच्छी रहती है, काफ़ी सारी बीमारियाँ दूर रहती हैं, समझे। इसलिए यहाँ के लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, अपने आप की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, चाहे वो स्किन से लेकर हो, चाहे वो हेल्थ से लेकर हो, चाहे फिटनेस से लेकर हो, हर चीज़ से। मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली है और मेरे पास पावर बैंक भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो पावर बैंक पड़ा हुआ था 30,000 mAh का, वो मैंने अपने घर ही छोड़ रखा ऋषिकेश में, वो लाया नहीं क्योंकि शायद फ़्लाइट में अलाउ नहीं होता है, दैट्स व्हाई मैं लाया नहीं। तो ये बड़ी बहुत बड़ी मुश्किल हो गया मेरे लिए। अब मैं ऊपर गया था, मैं ऊपर वीडियो बनानी थी, अब बैटरी डाउन होने वाली यार, कहाँ से वीडियो बनाऊँ मैं, मेरी किस्मत। स्टार्टिंग के हिसाब से मैंने काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग किया है, तो उसके हिसाब से तो चलो थोड़ी बातें आपसे भी हो गई हैं, ब्लॉग भी बन चुका है हल्का फुल्का। तो होप अगली बार मैं मोबाइल की बैटरी फुल कर गया हूँ और वीडियो बनाऊँ अच्छे से, और अच्छे से ना, और पावर बैंक भी ले लूँगा, चलो लेना ही पड़ेगा। रोड देख रहे हो यहाँ की कितनी रोड है, और यहाँ पर रूल रेगुलेशन भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा आगे वाले आने वाले ब्लॉग्स में। सो फाइनली गाइस, मैं अपने रूम पे पहुंच चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ, और एक वहाँ पे मेरे साथ इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ था। जब मैं वहाँ पहुँचा था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो जब मैं टायर्ड फील करता हूँ ना अपने आप को, तो मैं ना फिर मेरा कुछ मन नहीं करता करने का, तो मेरा ना वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो मैं बैठ गया वहाँ पे, आराम कर रहा था, ठीक है। मैंने दिमाग में आया यार, मैं इतने दिनों बाद तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो सही नहीं है, मतलब वीडियो बनाने आ रहा हूँ तो वीडियो बनाऊँ, है ना। तो मैं वीडियो बनाने फिर वापस चले गया, फिर मैं जैसे ही वापस गया तब तक बैटरी लो का मैसेज आ गया, तो फिर मैं वापस ही आ गया। तो अब मैं अब रूम पे पहुँच चुका हूँ। अब बाकी एक और चीज़ है, अपने को आदत है, तो पहाड़ों में क्या है कि या कहीं भी चले जाओ तो पानी तो मिल ही जाता है, मेरे को आदत वैसी पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं नल होगा पानी का, तो पी लेंगे, मैं इसलिए पानी लेके भी नहीं गया। वहाँ पे क्या हुआ, कहीं नल भी नहीं था, प्यास भी लग चुकी थी और भूख भी लग रही थी, और साथ ही साथ में टायर्ड भी फील कर रहा था, तो सब चीज़ें मिक्सअप हो गई, तो मैं फिर कर नहीं पाया। बाकी मैं अपने रूम पे पहुँच चुका हूँ। अपने रूम से कुछ नज़ारे ऐसे दिखते हैं यहाँ के, ये देखो इधर उधर सारी जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग, ये पूरा जितना भी है ना ये कंपनी एरिया है। तो इसके बारे में मैं कभी और आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल आज के लिए इतना है। सो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करूंगा आप सबको पसंद आएगा, और उम्मीद करूंगा आप सब बढ़िया होंगे, और देखो मस्त रहो, खुश रहो और हमेशा हंसते रहो, यही चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।